मेरा नाम राजीव है और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लूप इन पाइथन। सो ये पाइथन सीरीज का 10th वीडियो है। इससे पहले मैं 9 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, बिल्कुल बेसिक से। अगर आप देखोगे तो पार्ट 1 हाउ टू यूज़ जुपिटर नोटबुक, जहाँ मैं अभी प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, ये जुपिटर नोटबुक, इसको कैसे इंस्टॉल करना है, यूज़ करना है। फिर व्हाट इज़ पाइथन, पाइथन सीरीज, डेटा टाइप्स, मैं बिल्कुल शुरू से पाइथन के सीरीज के वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप 9 वीडियोज़ जो हैं, बाकी वीडियोज उसको भी जाओ देखो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। सो स्टार्ट करते हैं। लूप क्या होता है पाइथन में? आप सबसे पहले लूप होता क्या है ये समझो, पाइथन पे हम बाद पे आएंगे। सो कोई भी चीज़ जो एक पर्टिकुलर पाथ पे बार बार रोटेट करती है तो उसको हम बोलते हैं लूप और इटरेशन। ओके, सो पाइथन में लूप क्या है? अगर किसी भी सेट ऑफ स्टेटमेंट को अगर हमें बार बार एग्जीक्यूट करना है तो वहां पे हम लूप का यूज करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज हमें 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है पाइथन में, तो आप कैसे करोगे? प्रिंट एंड देन प्रिंट में क्या लिखोगे? हेलो वर्ल्ड। ओके, एक बार लिखा तो इससे तो आउटपुट एक बार ही आएगा, बट हमें कितनी बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है? 5 बार प्रिंट करना है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि प्रिंट को आप कितनी बार लिखो? 5 बार। सो 2, 3, 4, 5 रन करते हैं, 5 बार हेलो वर्ल्ड आ गया। ओके, बट अगर 100 बार लिखना हुआ तो, 100 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना हुआ तो, 1000 बार प्रिंट करना हुआ तो, क्या उतनी बार आप लिखोगे? ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पे लूप का कंसेप्ट आता है। अगर यहाँ पे हम कुछ ऐसा करें कि कंप्यूटर सिर्फ इसी एक लाइन को 5 बार रीड करे, तब भी आउटपुट सेम आएगा। 5 बार हेलो वर्ल्ड, कंप्यूटर ने एक बार रीड किया, प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड, फिर सेकंड टाइम रीड करेगा, फिर प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड, फिर थर्ड टाइम रीड करेगा, फिर प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं कि कंप्यूटर इसी एक लाइन को 5 बार रीड करे? सो अभी याद करो आप, मैंने अभी लूप का डेफिनेशन क्या बताया कि लूप किस लिए यूज होता है? किसी भी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो सबसे पहले आप लूप का सिंटेक्स देखो, लूप हम कैसे यूज करते हैं। पाइथन में बहुत सारे लूप हैं, एक है फॉर लूप, दूसरा है वाइल लूप। तो अभी हम लोग फॉर लूप सीखने वाले हैं। तो फॉर लूप कैसे हम यूज करेंगे? फॉर, सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर, फिर एक वेरिएबल, वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं, मैं आई ले लेता हूं, आई, देन कीवर्ड इन। अब एक रेंज फंक्शन का हम यूज करेंगे, range, रेंज, और रेंज में हमें हेलो वर्ल्ड कितनी बार प्रिंट करना है? 5 बार, राइट? तो हम यहां पे रेंज में दे देंगे 6। इससे क्या होगा, जो रेंज फंक्शन है 0 से लेके 5 तक, हमने रेंज फंक्शन में क्या पास किया है? 6 पास किया है ना, तो 6 के एक पहले तक, 0 से 5 तक हर बार एक एक वैल्यू रेंज फंक्शन आई में स्टोर करेगा। यानी आई में फर्स्ट टाइम क्या आएगा? 0, सेकंड टाइम क्या आएगा? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड लास्ट में 5। उसी तरह अगर रेंज फंक्शन में हमने 10 पास कर दिया तो आई फिर 0 से स्टार्ट होगा, आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम रेंज फंक्शन आई में कितना स्टोर करेगा? 0, देन सेकंड टाइम 1, फिर 2, 3, कहां तक जाएगा? 9 तक, 10 के एक पहले तक। ओके, फिर कॉलन, अब देखना एंटर करेंगे तो क्या होगा, ठीक है? हम फॉर के ब्लॉक में आ गए, कर्सर देखो जहां पे ब्लिंक कर रहा है उसके लेफ्ट हैंड साइड में कंप्यूटर ने स्पेस छोड़ दिया है, मतलब अब हम जो भी लिखने वाले हैं वो फॉर के अंदर हम लिखेंगे। तो हमें क्या प्रिंट करना है? प्रिंट और फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। सो हेलो वर्ल्ड, अब देखो इसको रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा। मैं ऊपर की वैल्यू 6 कर देता हूं और मैं इसको रन करता हूं, देखो हेलो वर्ल्ड, कितनी बार हेलो वर्ल्ड आया? 6 बार आया, हमें 5 बार करना था, ऐसा क्यों हुआ, 6 बार क्यों आ गया, इसको देखते हैं। सो रेंज फंक्शन 0 से स्टार्ट होता है तो फर्स्ट टाइम कौन सी वैल्यू आई में स्टोर करेगा? 0, और फिर कंप्यूटर उसके बाद फॉर के अंदर आएगा और जो फॉर के अंदर स्टेटमेंट लिखा हुआ है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, इसको एग्जीक्यूट करेगा, आउटपुट आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। फिर रेंज फंक्शन आई में कितना स्टोर करेगा? 0 के बाद 1 स्टोर करेगा, फिर कंप्यूटर फॉर के अंदर आएगा और फिर हेलो वर्ल्ड वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, दूसरी बार आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड। फिर रेंज फंक्शन क्या करेगा? 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, टोटल कितनी बार हुआ? 6 बार, तो इसीलिए 6 बार हमारा आउटपुट हेलो वर्ल्ड आया है। आप सिर्फ 5 बार चाहते हो तो यहाँ पे 5 कर दो। अब रेंज फंक्शन
i में पांच बार वैल्यू स्टोर करेगा। वो पांच वैल्यू कौन कौन सी करेगा, 0, 1, 2, 3, 4 और ये लाइन पांच बार एग्जीक्यूट होगी। सो ये है हमारा फॉर लूप, बहुत सिंपल। अब मान लो आपको 100 टाइम्स प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, तो क्या 100 टाइम लिखने की जरूरत है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, नहीं, सिंपल है। आप यहाँ पे क्या पास कर दो, 100। अब हम 100 क्यों पास कर रहे हैं, 101 क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर जीरो से स्टार्ट करेगा ना, तो जीरो से 99 कितना हो जाएगा, 100। रन करते हैं, ये देखो 100 बार हेलो वर्ल्ड आ गया। आपको 1000 बार प्रिंट करना है तो आप वैल्यू क्या दे दोगे रेंज में, 1000 तक दे दोगे। सो ये है हमारा फॉर लूप, बहुत ही सिंपल है। अगले वीडियो में मैं फॉर लूप पे एक प्रोग्राम और करूँगा, ठीक है, ताकि फॉर लूप का कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर यूजफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। धन्यवाद।